स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, हमें ये सीख देते हैं कि फ्रेंडशिप निभाओ, ये करो वो करो, पर हमने कभी उन्हें ह्यूमैनिटी दिखाई है? हमने कभी उनके लिए इंसानियत नहीं दिखाई? देन वाई वी शुड शो ह्यूमैनिटी टू देम? नो, हमें दिखानी चाहिए ह्यूमैनिटी, देन वाई वी आर नॉट शोइंग ह्यूमैनिटी? सो फर्स्टली स्टार्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम योर होम्स. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर टू बी अ सक्सेसफुल मैन. ह्यूमैनिटी इज द बिगेस्ट फैक्टर टू बी अ गुड सिटीजन ऑफ अ कंट्री. Then why we are not keeping humanity alive? This is my question. One question, come to side. Yes. जब हम कहते हैं अर्थ एक प्लैनेट है, yes. Is it heaven or hell? क्या है? It's dependent upon a human, sir. Human is dependent. वो आदमी है जो उस जगह को heaven बनाएगा या hell बनाएगा. हम सबके खुद के घर हैं. हम सब एक ही घर में रहते हैं. हम सबके अलग अलग घर हैं, सर. कहीं पे लड़ाइयाँ होती हैं, कहीं पे बच्चे बदतमीज होते हैं. पर एक बात मैं आपसे पूछूंगी, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, चलो टॉपर्स भी नहीं छोड़ लो, जो बच्चे ऑनेस्ट होते हैं, सर उनके घर में कभी लड़ाइयाँ होती हैं? कभी नहीं होती हैं. वो हम ही ह्यूमंस हैं जो इस अर्थ को हेवन बनाएंगे, वो हम ही ह्यूमंस हैं जो इस अर्थ को हेल बनाएंगे. और सर शुरुआत घर से ही होती है, क्योंकि मेरे पापा ने भी मुझे यही सिखाया हुआ है कि भगवान खुद इंसान के रूप में यहाँ आए थे, यीशु मसीहा बनके, प्रॉफेट मोहम्मद बनके, श्री राम बनके, श्री कृष्ण बनके, गुरु नानक बनके, और उन्होंने ह्यूमैनिटी सिखाई थी. उन्होंने भी यही चीज बोली थी कि ह्यूमैनिटी घर से शुरू करो. पर हम क्या कर रहे हैं? घर में करके आगे लड़ाइयां, बीवी को बोल दिया ये कुछ, भाई बहनों को बोल दिया उल्टा सीधा, और फिर भाई गए बाहर गरीब को दिए ये ले पैसे, भाई मेरे को पुण्य चाहिए. कोई पुण्य नहीं मिलेगा, घर से पहले से स्टार्ट करना है. और हेवन या हेल तभी बनेगा जब हम ह्यूमंस उस चीज को बनाएंगे, तभी सर हेवन या हेल में हम अंतर कर सकते हैं. थैंक यू सर. एंड ह्यूमैनिटी इज नॉट ओनली फॉर अदर पीपल, वी कैन ऑल्सो डिलीवर टू अवर सेल्फ्स. हम खुद को भी इंसानियत दिखा सकते हैं. कैसे? देखिए, सुनने में तो बड़ा वियर्ड है कि खुद के लिए इंसानियत क्यों, 50 रुपए का नोट लेके खुद को दें, शीशे में जाके ले भाई 50 रुपए का नोट. नहीं, अपनी जो फर्स्ट स्टेज है हमारी ह्यूमैनिटी की, फर्स्ट स्टेज क्या थी? घर से शुरू करो ह्यूमैनिटी. कैसे? ऑनेस्ट बनके. और वो ऑनेस्ट हम कैसे बनेंगे? जब हम अपनी फर्स्ट स्टेज को इम्प्रूव करेंगे, जब हम अपने पेरेंट्स के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, जब हम अपने टीचर्स के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, तभी तो हम पूरी वर्ल्ड को ह्यूमैनिटी का लेसन देंगे. बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, मैं उनकी स्पीचेस खुद सुनती हूँ. एपीजे अब्दुल कलाम, सबको पता है कौन है? कौन है एपीजे अब्दुल कलाम? कम ऑन, गिव मी योर रिस्पॉन्सेस. कौन है एपीजे अब्दुल कलाम? यस, आयरन मैन ऑफ इंडिया. तो आयरन मैन ऑफ इंडिया वो कैसे बने? ऑनेस्ट रह के, अपनी फर्स्ट स्टेज को इम्प्रूव करके. और वो फर्स्ट स्टेज क्या थी? कि घर से ह्यूमैनिटी स्टार्ट करो. सो वी शुड स्टार्ट ह्यूमैनिटी फ्रॉम आवर होम्स. एंड हाउ वी कैन डिलीवर ह्यूमैनिटी टू आवर सेल्व्स? बाय बीइंग ऑनेस्ट विद आवर सेल्व्स. इफ वी विल बी ऑनेस्ट विद आवर ऑल सेल्व्स, देन वी कैन डिलीवर ह्यूमैनिटी टू द होल वर्ल्ड. नाउ आई वुड लाइक टू एंड माय स्पीच एंड माय वर्ड्स with a beautiful quote. When you are dealing with the people, remember, you're not dealing with the people of logic. You are dealing with the people who will provide you love and affection. And those people, first creature, are your parents. Keep humanity alive. Be a human. Thank you so much. धन्यवाद शिवांगी राजपूत. और शिवांगी ने जो जिस तरीके से अपनी बात को रखा, वाकई वो काबिले तारीफ है. ह्यूमैनिटी को किस तरीके से हम जिंदा रख सकते हैं, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे से उन्होंने चर्चा की. और उनका प्रश्न था कि भाई कौन करेगा, तो उसका उत्तर यही है कि हम सब करेंगे. इसीलिए रेड क्रॉस सोसाइटी जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी की, वह चाहती है कि अपने बच्चों के द्वारा यह संदेश
अपने जिला के हर एक घर तक पहुंचाया जाए और वो माध्यम मुझे लगता है कि सफल होता हुआ दिख रहा है। तो चलिए अगले विद्यार्थी जो हमारे जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल डिग्री कॉलेज रियासी की छात्रा है सोनालिका, ये सेकंड सेमेस्टर की छात्रा है, जोरदार तालियों से इसका स्वागत करें। और इसके बाद बैक स्टेज में आ जाएं त्रिकुटा शिक्षा निकेतन हाई स्कूल के बच्चे जिनका एक ग्रुप डांस है। A very warm afternoon to all the worthy guests and the children present over here. My name is Sonalika Rakwal, student of GDC Riyasi. Today, all of us are here to commemorate World Red Cross Day. So without further ado, let's get to know about Red Cross Day. Red Cross Day is also known as Red Conscience Day and it is celebrated on 8th May every year to commemorate the birth anniversary of the founder of Red Cross, Henry Dunant. It is dedicated to the people who suffered from the shortage of food, several natural calamities, war, as well as from epidemic diseases. Basic calamities as well as basic needs were provided to those people who suffered from these casualties. Many government and private organizations become active members to help needy people who suffer from several disasters. The World Red Cross Day 2024 will be considered around the theme I give with joy and the joy I give is a reward. As Charlie Chaplin said in his film, The Great Dictator, you have the love of humanity in your heart. You don't hate and you don't hate only the unloved hate. The unloved and the unloved hate. Let's embrace the power of humanity and lift others as well as ourselves, which is also the topic of today's speech session, Keeping Humanity Alive. Humanity is in its simplest form is a unique quality that sets us apart from other living beings. It is an attribute that we are humans and are expected to exhibit. We are blessed with the capacity to sustain, think, make choice and act according to our desires. It encapsulates the love, empathy and care we have for others. Humanity is a path of happiness. A person performing deeds with concern for humanity will be the happiest person on this planet. Serving people with humanitarian considerations provides a lot of satisfaction to a person's life. A person does not have to be wealthy in order to show qualities of empathy. Any person can show their concerns for the world through simple acts of kindness and love. Being human is given, but keeping our humanity alive is a choice. Being loving and caring towards all living beings, including the tiniest living creature on the earth, and extending unconditional love to each other and every being on earth is what makes an entirely truly worthy of being defined as real human being. So, humanity is not just restricted to humans, but also includes caring for every living being and our environment that we live in. Humans are considered to be the best creation of the world since they are the only creatures on earth who can have the power to connect with the divine through meditation, prayers. But in the present time, the mindset is undergoing a transformation from a philanthropic attitude towards a material-centric approach. This surely is a matter of concern and worry. In quest of materialistic things, people are forgetting and ignoring humanistic values. We are getting cold-hearted and getting apathetic, malicious, and as a reset of which we are far from humanism. Considering some examples, people have enough time to spend in different places, religious places, traveling around the world, or on mobiles. But not for their parents. They have money to purchase costly stuff or making huge investments, but short of money when it comes to their parents, their home base. Having wrong and impure intention in mind and visiting or spending hours in religious places appears fertile to me. I consider it more humane to feed a hungry living rather than offering money to those who
who have it already. I feel sorry to say this, but the truth is that plants, birds and animals have more emotions and feelings than us. No doubt, there are many humanitarians who live among us. The great Indian priest Gitanjali, he believed that to serve the needy was equivalent to serving the divine livings. As soon as we understand the importance of humanity in our day-to-day life, the purpose for which we are on earth is automatically fulfilled. How good or pleasant it is when brothers live together in a society with unity. In general, humanity is perceived as a charity, or as the old saying goes, it begins at home and then spreads across the world we travel, places we dwell and people we meet. All humans are one and only one, regardless of caste, creed, religion and race. This oneness would bring the world full of peace and harmony. The future humanity lies in oneness. As we narrow down the difference among us, broader the outlook humanity arises. In the end, I would like to say that be the reason someone smiles, be the reason someone feels loved, and believe in the goodness of people. Support the one who are more in need than you. Be the part of associations. Donate blood, donate eyes, donate many things as you can. Each of us has a role to play in reuniting humanity. Thus, we can fight the monster without becoming one and achieve a final place of freedom and security for all. Thank you. Have a nice day. धन्यवाद सोनालिका। हमारे जितने भी विद्यार्थियों ने अपने विचार रखे हैं और बहुतों के कटाक्ष बड़े विचार और ह्यूमैनिटी इंसानियत को तलाशने के लिए हम अगर एक मंत्र पे काम करें जो कबीर जी कह गए कि वृक्ष कभी न फल बकें नदी न संचे नीर परमार्थ के कारण साधु ने या इंसानियत ने धरण शरीर, तो अगर हमारे अंदर ऐसे भाव आ जाएं, सेवा भाव ही मेन मुख्य है, अगर वह भाव हमारे अंदर आ जाता है तो इंसानियत खुद ब खुद आ जाती है। तो चलिए थोड़ा सा मनोरंजन की ओर बढ़ते हैं। ये त्रिकुटा शिक्षा निकेतन हाई स्कूल रियासी के बच्चों द्वारा नेशनल सॉन्ग पे डांस है, तो तालियों के साथ स्वागत करें त्रिपुरा शिक्षा निकेतन हाई स्कूल।